गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परि ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए गुरु का महत्व शास्त्रों में हो या अन्य कहीं भी जगह परमात्मा के समकक्ष माना है। गुरु जिस शिष्य से प्रेम वरद हस्त रख देता है वहां पर जीवन में कोई अभाव नहीं रहता, सब कुछ पा लेता है, चाहे वह मोक्ष हो, चाहे वह धर्म का मार्ग हो, चाहे आर्थिक मार्ग हो, चाहे राजा महाराजा बनना हो, कुछ भी हो सब कुछ पाया जा सकता है। इसमें भी महत्वपूर्ण एक 12 वर्ष बाद वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं देव गुरु बृहस्पति, तो कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से प्रभाव देगा, क्योंकि कर्क राशि में यह उचके हो जाते हैं, आपकी उच्च राशि के स्वामी आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति संतान देने वाले, शुभ मांगलिक कार्य करवाने वाले, समृद्धि देने वाले, जीवन के महत्वपूर्ण सारे आयामों को अपने आशीर्वाद से पूर्ण करने वाले देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें से 6 भावों को प्रभावित करना और 13 माह तक लाभ स्थान में रहना, किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपके भाग्येश के और षष्ठेश के मालिक बनकर के लाभ स्थान में गोचर करेंगे। पूर्णता से आपके लिए बड़े ही सौभाग्यशाली, किस्मत को चमकाने वाले, किस्मत के स्वामी लाभ स्थान में जाने से, यहाँ कई ज्योतिषी कहते हैं देव गुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन गुरु और शुक्र की युति जन्म कुंडली में बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। दो गुरु जहां बैठते हैं वहां बहुत कुछ दे जाते हैं। हाँ, एक लग्जरियस स्व ऐसो आराम के गुरु हैं, दूसरे सात्विक हैं। जब कोई भी गुरु अपने दूसरे गुरु के घर जाएंगे तो वहां मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, उनका मान सम्मान रखेंगे भी सही। और हाँ, कुछ ऐसी स्थिति है वो सात्विक हैं तो लग्जरीज के यहाँ जाएंगे तो वहाँ ऐसो आराम की कुछ वस्तुएं भोग करेंगे, कुछ उनको पसंद आएगी, कुछ ना आए। अब लाभ स्थान में गुरु, उनकी पश्चिम दृष्टि आपके पराक्रम पर होने से आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र आपका लाभ में बड़ा सहयोग करेंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में जो आप प्लानिंग बना रखे हैं वह प्लानिंग आपकी सक्सेस होगी। कार्य में आपको ऊर्जा, एक पावर देखने को मिलेगा, जहां आलसीपन था वह आलसीपन समाप्त होगा। यह 1 मई को गोचर करने जा रहे हैं तो 1 मई से आपके पराक्रम क्षेत्र में, वहां पर भी बीच में अष्ट मार्गी इस साल भर में कई प्रकार से विचरण करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका यही रहेगी कि आपके पराक्रम भाव पर गोचर करने से आपके कार्य क्षेत्र में आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र आपके कार्य में बढ़ चढ़ करके आपका सहयोग करेंगे। कार्य में आपको नई ऊर्जा, नया जोश देखने को मिलेगा और आप उत्साहपूर्वक अपने कार्य में लग जाएं। 13 माह का समय है आपके लिए, बहुत ही सुपर समय है। उसके बाद में देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि
गुरु की दृष्टि में अमृत झलकता है, अमृत की वर्षा होती है, तो वहां पर जो शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो वहां उपाधियां डिग्रियां प्राप्त होने की स्थिति, जहां आप अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं वहां सिलेक्शन होने की संभावनाएं प्रबलता के साथ बढ़ जाएगी। आप अवस्था में हैं तो फिर आपकी संतान की शिक्षा के लिए अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं उनको संतान प्राप्ति की इच्छाएं पूर्ण होगी, नए समाचार, घर में नया मेहमान। वहीं पंचम भाव से प्रेम का भी देखा जाता है, तो कहीं आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो वह शुद्धता के साथ व्यवस्थित तरीके से आपके जीवन में आएगा और वहां पर प्रेम संबंध आपके दाम्पत्य जीवन में रूप में प्रणीत हो सकता है। वहीं नए मेहमान की अवगत, कहीं यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। वहीं जो व्यक्ति अविवाहित है उनकी देवगुरु बृहस्पति भाग्य को देखते हैं तो नवम दृष्टि उनकी आपके सप्तम भाव पर, जहां से साझेदारी का, दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, तो वहां पर दृष्टि होने से आप अविवाहित है तो आपके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं और आप दाम्पत्य जीवन में जुड़ भी सकते हैं। वहीं कोई साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, आपके साझेदार आपका सहयोग करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में कोई अनबन है तो वह भी अब क्लियर होकर के प्रेम पूर्वक व्यवहार में आ जाएगी। बिजनेस क्षेत्र में भी आपके लिए बड़ा सुखद रहेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति स्वयं लाभ स्थान में बैठ करके आपके आय के नए नए साधन तैयार होंगे, कई जगहों से आय की आने की स्थिति बनेगी। वहीं आप एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर आप लाभ में आने की स्थिति में अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस कर लेते हैं तो लाभ की मात्राएं यहाँ घटती हुई नजर आएगी आपको, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ नुकसानदायक साबित हो सकता है। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो अपनों को शेयर कीजिएगा। आपकी आशीर्वाद से ही मैं जोश के साथ आपके सम्मुख आता हूँ और आपके भविष्य में संबंधित ग्रहों के बारे में, वास्तु से संबंधित बातें आपको बताता हूँ। अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके उत्साह का संचार करें। अब मैं आपसे अनुरोध, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, आप परिवार को साथ लेकर के चलें और प्रेम पूर्वक जीवन का आनंद लें। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। नमस्कार।